और अब आपको धनबाद लिए चलते हैं, वहां भी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। क्या कुछ तस्वीरें हैं दिखाते हैं वहां से। हमारे साथ सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, कांग्रेस पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और स्थापना दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, वहां पर क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले ही बताया था और कल की खबरों में इस बात ये बात जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने कहा थी, इस बार ऐतिहासिक होगा। और ऐतिहासिक इसलिए होगा क्योंकि देखिए इस वक्त धनबाद के निरीक्षण भवन मैदान में है और यहाँ पे पूरी तैयारी की कर ली है। और कांग्रेस के विषय में कहा जाता है कि उसकी जो संस्कृति है या फिर जो जो कांग्रेस का जो कल्चर रहा है उसको वो पूरा करते, और यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल यहाँ पे बनाए गए हैं, मंच की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जो भी बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, कार्यकर्ता हो, उन्हें एक समान यहाँ पे आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम में एक समान यहाँ पे देखा जाएगा। आप मंच नहीं है, यहाँ पे कहीं भी आप बैठ सकते, चाहे आप कार्यकारी अध्यक्ष हो, चाहे आप जिला के अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, जो भी नेता हो यहाँ पे, तो इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। और एक बात यहाँ पे अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको सहयोग, देखिए जो पिछले कई दिनों से कांग्रेस ने जो धनबाद के लिए कार्य किया है अपने सहयोगियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, उनका यहाँ पे पोस्टर बनाए गए हैं और जो कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे उन्हें ये बताया जाएगा कि कांग्रेस क्यों आज लोगों के दिल में राज कर रही है, घर घर पहुंच रही है, लोग क्यों कांग्रेस पे भरोसा जता रहे हैं। और झारखंड में यूपीए की सरकार है और 2 साल सरकार के कार्यकाल भी पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा, हम इनसे जानेंगे। आज पहली बात तो मंच नहीं बना है यहाँ पे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास और विचारधारा रहा है कि हम लोग समाज के अंतिम व्यक्ति तक को अपना मानते हैं और उसमें कहीं किसी के मन में ये बात ना हो कि ये हमारे नेता हैं और हम कार्यकर्ता हैं, हम नीचे हैं, वो मंच पे हैं, ये भावना दिल में ना जगे, सबकी समानता की भावना जगे और हम लोग सर्व वसुधैव कुटुंबकम वाली स्थिति हम लोग का है कि सबको हम लोग अपना गेस्ट मानते हैं। सारे हमारे एक अंतिम कार्यकर्ता भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखते हैं जो हमारे नेता, इसलिए हम लोगों ने ऐसा एक देना चाहा है, कोशिश किया है कि ऐसा माहौल दें कि लोगों आकर के यहाँ पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, ये माने कि कांग्रेस हमको अपने समान दृष्टि से देखती है। ये आज पोस्टर और फ्लैग्स भी लगाए गए हैं, पिछले कई दिनों से कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं, आखिर क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है? कार्य किए हैं तो देखिए, बात यह है कि हमारे देश में और हमारी पार्टी में ये प्रचलन है कि कार्यकर्ता और हमारे प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष हमारे पार्टी के रीढ़ होते हैं और वर्षों तक हमारे जब पार्टी के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष जब काम करते हैं तो उनकी पारितोषिक जो है समय समय पर यही बताता है कि उनके मोरल बूस्टअप और लोगों तक उन्होंने जाकर के अपना क्या क्या काम किया है, ताकि आने वाले हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे युवा जो कार्यकर्ता है, उनके मन में ये भावना जगे कि हमारा काम ही लोगों का सेवा है, कांग्रेस पार्टी का काम ही लोगों का सेवा है, ताकि ये सब हम दिखा करके चाहते हैं कि लोग के अंदर में भावना जगे और उनके कामों का एक्चुअल पारितोषिक यही चीज है कि हम समय समय पर उनको प्रदर्शित करें। एक सवाल और है, आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 137वां, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या खास मुद्दे होंगे जो कार्यकर्ताओं को, धनबाद की जनता को, कोयलांचल की जनता को अब एहसास कराएंगे? केंद्र में मोदी की सरकार है, झारखंड में आपकी अपनी सरकार है। देखिए, हम लोग की ये सोच रही है और कांग्रेस पार्टी की ये सोच रही है कि कांग्रेस सबको लेकर चलने का शुरू से प्रयास किया है और सबके लिए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास जाए, इसके लिए पार्टी ने काम किया है। और आज देश में जो सरकार केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जिस प्रकार लोगों को जुमला देकर के सत्ता में आई और आने के बाद अपने वादों से मुकर गई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जुमला साबित करते हैं और आज सिर्फ हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है, उनको ना किसी किसान से मतलब है, ना नौजवान से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब है, ना देश के युवाओं से मतलब है, ना छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोगों से मतलब है, ना व्यवसायियों से मतलब है। उनको सीधे अगर मतलब है तो अपने कारपोरेट घराने के साथियों के लिए वो हर स्तर तक जाते हैं, तो इसलिए आज कांग्रेस पार्टी उनके नाकामी को आज स्थापना दिवस पर हम लोगों ने आज संकल्प लेकर के इनके नाकामी को उजागर करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये जोश भरने का काम करेंगे कि कांग्रेस की पार्टी सबको लेकर चलने का इतिहास रहा है और आज देश के और राज्य के और हमारे क्षेत्र के जनता में ये माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ही जनता का सबको लेकर के चल सकती है, सबके विषय में सोच सकती है, इसलिए हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम रखा है और आज यहाँ पर ये कार्यक्रम में हम लोगों को दर्शाएंगे। कार्यकारी अध्यक्ष और प्रजापति जी हैं हमारे साथ, कितनी संभावना है कार्यकर्ताओं की? कार्यकर्ता तो जुटने के लिए आप जितने बड़े जो जगह देख रहे हैं ये कंप्लीट एकदम भरा हुआ मिलेगा आपको, है ना।
गांव से सारे लोग, हमारे प्रखंडों के सारे लोग, हमारे जिले के सारे नेता, प्रखंड के नेता, सभी लोग आज उपस्थित होंगे यहाँ पर। भीड़ की तो कोई बात ही नहीं, अब ये पूरा भरा हुआ मैदान मिलेगा। झारखंड सरकार भी अब 2 साल पूरे कार्यकाल पूरे कर लिए है, वो भी अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे और आप सरकार में रहे हैं तो सामंजस्य बनाकर के उपलब्धियों के गिनाएंगे और आगे की जो कार्यशैली रहेगी उसको कैसे रखेंगे? देखिए, जब सरकार हमारी बनी, सत्ता जब हमारे हाथ में आया तो आपने देखा कि पूरे राज्य की खजाना खाली थी। उसके बाद कोरोना का महामारी, वैश्विक महामारी हमारे ऊपर में आई, उसके बावजूद जिस प्रकार हमारी यूपीए की सरकार ने हेमंत सोरेन की नेतृत्व में जिस प्रकार इस कोरोना महामारी से निपटने का काम किया, जिस प्रकार लोगों तक पहुंचने का काम किया, और उसके बाद जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, आप देख लीजिए कि विकास को लेकर के हमारी सरकार की जो लोगों से वादा थी, आज हम लोगों ने, आज हमारी सरकार ने आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक 33 लाख लोगों का उन लोगों ने आवेदन प्राप्त ऑन स्पॉट किया है, जिसमें अप्रोक्स 24 लाख आवेदन का त्वरित वहाँ से निष्पादन हो गया है और आने वाले महीनों में उसका आदेश है कि आने वाले महीनों में 1 महीने में ये उपलब्धियां बताई जा रही हैं। और देखिए, अभी कार्यक्रम अभी यहाँ पर शुरू होना बाकी है, और भी कार्यकर्ता जुड़ेंगे तो और भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया दिलीप, आप बने रहिए, और भी अपडेट्स बाद में लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।